नीरस, मित्र और नारी और धर्म, ये चार की परीक्षा आपत्ति में होती है, जिसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। राम अपनी गोद में लक्ष्मण को लेकर के दुखी हो रहे थे। अयोध्या वापस लौट कर जाऊंगा तो क्या कहेंगे अवधवासी कि अपने भाई को खो कर आए, एक नारी के लिए भाई को खोया है। राम दुखी थे। उसी समय हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य पूछते हैं, हे राम, मैं रावण का कर्मचारी हूं, रावण का वैद्य हूं, लंका का वैद्य हूं, तो जिसका नमक खाया हूं, जिसका वेतन लिया हूं, उसके दुश्मन का इलाज करूं, ये तो नमक हरामी हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, मैं लक्ष्मण का इलाज कैसे करूं? आप भगवान हो, बोलो, आदेश करो, क्या है, अधर्म करूं? तो राम ने जो उत्तर दिया, लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं राम की गोद में, सुषेण वैद्य ने ऐसा प्रश्न रख दिया, धर्म संकट आ गया सामने कि अब क्या करूं। तो राम कहते हैं, अरे सुषेण वैद्य, ये लक्ष्मण मेरा भाई है, अगर धर्म की बात है तो हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। सुनना ये पंक्तियां, ध्यान देना, पुत्री का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, ड्राइवर का धर्म, नौकर का धर्म, मालिक का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, दुकानदार का धर्म, ग्राहक का धर्म, सबके साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। जब धर्म को निभाने के लिए हर चीज कुर्बान है तो धर्म को कुर्बान मत करना, धर्म की रक्षा करना। जब किसी बेटी को दुनिया का आकर्षण सताने लग जाए तो अपने पुत्री धर्म को देखना, तुम्हारा धर्म क्या बनता है, पिता के प्रति क्या धर्म है, माँ के प्रति क्या धर्म है, उनको टेंशन देना, दुख देना, अपमान देना नहीं, पुत्री का धर्म है माँ बाप के सम्मान की रक्षा करना, माँ बाप के गौरव को ऊंचा उठाना, पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप को सुख सुविधा देना। तो अपने धर्म को याद करो, धर्म के लिए जिंदगी कुर्बान करो और धर्म को कभी मत छोड़ो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो हरीशदास सीधे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सुस्त मत हो, आपको बहुत दान मिलेगा, चिंता क्यों करते। ये कुंभ मेला के प्रभारी है, दान प्रभारी है, उज्जैन में आश्रम बन रहा उसके दान प्रभारी है, ये सुस्त बैठे हैं। हमने कहा सुस्त क्यों, मस्त रहो, ये बिहार की धरती भक्तों की धरती है, धर्म की धरती है, दानियों की धरती है, यहाँ पर कोई काम अधूरा रहता ही नहीं है। बिहार में आ गए तो समझ लो बिहार में सब कुछ उपहार में मिल जाता है, उपहार में मिल जाता है। अभी मेरे जीवन में इस साल में देख रहा हूं बिहार प्रदेश मेरे लिए सभी प्रदेशों से नंबर एक पर दानी प्रदेश है, इस साल नंबर एक पर आया है, अभी तक ये नंबर दो नंबर तीन पर था लेकिन 2021 में नंबर एक पर आ गया, तुम एक नंबर पर हो, श्रोताओं की भीड़ में भी नंबर एक आपका है और दान में नंबर एक आपका है, प्रेम में नंबर एक आपका है, पर दूसरे प्रदेश वाले कहीं नाराज ना हो जाए कि वहां जाकर नंबर एक क्यों दिया।
तो दूसरे प्रदेश वालों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम भी श्रद्धा बढ़ाओ, नंबर एक पर आओ तो क्या फर्क पड़ता है। बोलो धनेश्वर मुखिया, हंस दे जोर से। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हमारे एक भक्त हैं हीरा लाल साहू, बेगूसराय में पहली बार उनको मैंने देखा, इसी साल प्रोग्राम किया, तो कह रहे थे मकान अभी बनाया नहीं हूं, लेकिन बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, एक साइड में आपका भी रहना चाहिए, दूसरी साइड हमारा रहना चाहिए, खिड़की खोलूं तो तुम्हारा दर्शन हो जाए, ऐसा बनाऊंगा। वास्तव में गुरु के पड़ोस में अगर मकान बन जाए तो हर व्यक्ति का मकान गुरु के पड़ोस कैसे बनेगा। अरे अपने मकान के पड़ोस में ही दूसरा मकान बनाओ, और कभी कभी गुरु आए तो एक रात वहां रहे, एक दिन रहे, और जब खिड़की खोलो दर्शन कर लो गुरु का, और जो गुरु चला जाए तो उस मकान का प्रयोग तुम कर लो, एक कमरा केवल गुरु के लिए रखो, बाकी प्रयोग कर लो। हमारे सब भक्तों का मकान बड़ा बनना चाहिए, गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी, और घर में खूब धन धान्य होना चाहिए, गरीबी न रहे आपके घर में, ऐसा आशीर्वाद ये व्यास गादी प्रदान कर रही है। मैं अपने गुरुदेव से भी आशीर्वाद मांगता हूँ, उनकी तपस्या के प्रभाव से और मेरी साधना के प्रभाव से घर घर की गरीबी दूर हो और घर घर में अमीरी आनी चाहिए। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म। बहुत सुंदर कथा है, दो मिनट की। जान धर्म पर है। तो राम ने उत्तर दिया, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। ए सुसेन वैद्य, अगर अवसर मिला, चांस मिला तो ये राम तुमको दिखाएगा क्या। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। यदि अवसर मिला सुसेन वैद्य, तो हम और हमारा भाई दोनों धर्म के नाम पर बलिदान हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं मेरे भाई का इलाज करो, अगर आपको लगता है कि तुम्हारा धर्म टूट रहा है तो मत इलाज करो, धर्म के नाम पर मेरा भाई मर जाने दो। लेकिन मैं कौन हूं ये समझो, मेरे पुरखे मेरे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र थे, जो सत्य धर्म को पालन करने के लिए कालू डोम के घर पानी भरे थे। कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। ये बात सुन करके सुसेन वैद्य हंसने लगा, बोला वैद्य का भी धर्म होता रोगी का इलाज करना, वैद्य के सामने न कोई अपना है न पराया है, जो बीमार है रोगी है उसका इलाज करना मेरा पर्सनल धर्म है, इलाज किया है। लक्ष्मण को होश आता है, संजीवनी बूटी पिलाई जाती है, याद रखना यदि तुम किसी के पिता हो, पिता का धर्म
निभाना। यदि तुम मां हो तो मां का धर्म निभाना। अपने पुत्रों को संकट में मत डालना। शराब पीना तुम्हारा काम नहीं, जमीन बेचकर शराब पी जाना, सामान बेचकर शराब पी जाना, पुत्रों को संतान को पुत्रियों को भिखमंगा बना देना, ये पिता का धर्म नहीं। पिता का धर्म है जो तुम्हारे पिता को उसके पिता के द्वारा मिला है वह संपदा अपने पुत्रों को सुरक्षित वापस दे, क्योंकि ये संपदा तुम्हारे पिता की नहीं है, ये पिता के पिता की है, और पिता के पिता ने तुम्हारे पिता को दिया है। तुम्हारे पिता का धर्म है अपने पुत्रों को दे करके जाए। दारू पीने की कोई इजाजत धर्म नहीं देता। और मां का धर्म भी ठीक से निभाओ, पुत्र का धर्म। वृद्ध हो जाए माँ बाप, धन कमा कर लाना, उनका ख्याल कर। गुरु का धर्म निभाओ ठीक से। यदि तुम गुरु बने हो तो वैराग्य से रहो, ज्ञान में रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, तप से रहो, और पूरे जगत के कल्याण के लिए सत्संग सुनाओ, दर्शन दो, सबका कल्याण करो। ये गुरु का धर्म है। गुरु का धर्म इतना ही नहीं है केवल भंडारा खाए भंडाफोर करे, नहीं। गुरु का धर्म है ऐसा भंडारा हो जिसमें लाखों लोग भोजन करें, महाप्रसाद ग्रहण करें, और गुरु सबको देखता रहे, दृष्टि कृपा की डालता रहे और सबको आशीर्वाद।